हमारे देश के कई ऐसे सुरमाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजों से लोहा लिया और उसके पहले मुगलों से लोहा लेते हुए देश को आज़ादी की राह की तरफ बढ़ाया। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने मात्र 20,000 सेना के साथ 85,000 की सेना की अध्यक्षता करने वाले सम्राट अकबर को धूल चटाई एवं भारत का परचम दुनिया में लहराया। आज उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में राजपूत सभा द्वारा पठानकोट बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त राजपूत सभा ने एकत्रित हो महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य सरकार से मांग की कि राज्य के स्कूलों में ऐसे सुरमाओं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अपने शूरवीरों की शौर्य गाथाओं को जान सकें। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन कुशधा की मार, नमन मेरा इस योद्धा को, शीश झुकाकर सो सो वार, शीश झुकाकर सो सो वार। आज सारा देश वीर श्रोमणी राष्ट्र के युग पुरुष महाराणा प्रताप जी का 426वां बलिदान दिवस जो है अपने अपने ढंग से हर जगह पे मना रहा है। महाराणा प्रताप वो महान योद्धा थे जिन्होंने उस मुगल सियासत के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का बीड़ा उठा के रखा था। गुलामी के विरोध में अगर पहली चिंगारी भड़की तो ये इसी महान योद्धा की धधकती हुई आवाज़ से पैदा हुई थी। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य कि हमारी देश की भावी पीढ़ी को पाठ्यक्रमों में अकबर का ग्रेड पढ़ाया जाता है, इनके इतिहास को धूमिल किया गया। लेकिन आज मैं आप सबसे बेनती करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर महाराणा प्रताप ना होते तो शायद हिंदुस्तान का गौरव धूमिल गया हो गया होता और हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म महसूस करते, जिस तरीके से अकबर ने पूरे हिंदुस्तानियों को मुसलमान बनाने का जो बीड़ा उठा के रखा था। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अगर हमारे प्रभु राम ने माँ बिल्ली के जूठे बेर खाए थे इसलिए नहीं खाए थे कि बहुत मीठे थे, इसलिए खाए थे कि आने वाली नस्लें ये ना कहें कि एक क्षत्रिय राजा ने समाज को बांटने की कोशिश की है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जिस सम्मान हमें विरासत में मिला है। सो वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप आज़ादी के वे महान योद्धा वीर श्रोमणी जिन्हें राष्ट्र युग की उपाधि से नवाजा गया था, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की एकता व अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप कहा करते थे कि युद्ध सेना से नहीं शौर्य से जीते जाते हैं, इसलिए अकबर की 85,000 की फौज को उन्होंने अपने 20,000 फौजियों अपने सैनिकों के साथ उनका मुकाबला किया। अकबर कभी जीते नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं, यह उनका किरदार था। आज उनके 426वें बलिदान दिवस पर मैं इस वीर शिरोमणि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और देश की भावी पीढ़ी से अपील करता हूं कि ऐसे शूरवीरों को अपना रोल मॉडल बनाएं जिन्होंने इस देश की एकता व अखंडता के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जहां भी हम आपको याद करते हैं आप आकर ये आवाज़ को आगे लेके जाते हैं और एक आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर मैं 426वें बलिदान दिवस और सारे देशवासियों को कोटि कोटि मैं नमन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। बलिदान दिवस है महाराणा प्रताप का, ये जिन्हें भी साथी आए ना उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। ये राजपूत ही नहीं सारे लोग आए ना, और महाराणा प्रताप की जिहड़ी हिस्टरी है उन्हें पूरे हिंदुस्तान का जिहड़ा आज़ाद कराया सी, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी ही उन्होंने। और एक होर गल मैं सुनी है, दशी भाई मैनू कह रही कि हिस्टरी दे विच भी पंजाब दे विच जिहड़े हिस्टरी पढ़ते हैं बच्चे, सानू जिन्नी अगे हिस्ट्रियां अं पढ़ने ना वह सारियां साढ़े बच्चों डराने वाली हिस्ट्रियां ना, अं सरकार अपनी अगे गल रखांगे जरूर। ये हिस्टरी इन्हां महापुरशां दी बच्चों नू सिखाओ जिहड़े बिल्कुल जज्बा वाले बच्चे पढ़न, डराने वाली हिस्ट्रियां जिहड़ियां ना करन। अज जिला पठानकोट के अंदर साड़ी बस स्टैंड के जिहड़ी प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की लगी है, अज उन्होंने नमन करने वास्ते सारे जिले के लोग साढ़े इत्थे पहुँचे है। महाराणा प्रताप जी हिंदुस्तान के अंदर बहुत योधे होए है, बख बख धर्मों के विच होया, बख बख जातियों के विच होया, अं सारयां दा दिलों सत्कार करने हैं। महाराणा प्रताप एक इहो जे योधे ही जिन्होंने हिंदुस्तान वास्ते लड़ाई लड़ी, हर वर्ग वास्ते लड़ी, हर कौम वास्ते लड़ी, इस करके सारी कौम सारा देश उन्होंने प्यार करता है। अज बख बख जिलों के बख बख स्टेट के उन्हों का जिहड़ी बलिदान दिवस मनाया जा रहा, इस तरह ही बस स्टैंड के अंदर महाराणा प्रताप का जिहड़ा स्टैचू लग्या उन्होंने नमन करने वास्ते स्पैशल तौर पर इतने पहुँचे हैं और अं सारे भरावां का सत्कार करने हैं जिन्होंने अपना कीमती समय कढ़िया। साड़ी जिले की पठानकोट की सारी आम आदमी पार्टी की टीम इतने पहुंची, अं उन्हों का भी सत्कार करने हैं और इस तरह महाराणा प्रताप दिवस से अं इतने आते रहेंगे और इन्हों का आशीर्वाद जोड़ा वो लेंदे रहेंगे। पठानकोट शहर के महाराणा प्रताप सिंह का जो बस स्टैंड स्टैचू लगा हुआ है,
अज असी सारे ही धर्मां तो उपर उठ के राजपूत बरादरी के नाल नाल सारी बरादरी के लोग इकट्ठे हो के महाराणा प्रताप सिंह जिन्हां ने इस दुनिया के लिए एक अलग किस्म की मिसाल कायम की और एक जज्बा ये दिखाया कि इंसानियत को जिंदा किस तरह रखना है। उन्हां दी याद दे विच अज उन्हां दा जिहड़ा शहीदी दिवस मनाया जा रहा इत्थे बहुत ही माणयोग शख्सियतां जो आईयां उन्हां दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करदे हां, खास करके मीडिया दे पत्रकार सज्जणां दा वी जिहड़े इत्थे आए हैगे आ कि एक पॉजिटिव मैसेज हैगा जिहड़ा समाज नूं दसण दी जरूरत अजकल कि साढ़े जिहड़े सूरवीर योधे पैदा होए सी जिन्हां करके असीं अज आज़ादी दा निघ माण रहे हैगे हां, उह सानूं कोशिश करनी चाहीदी है कि आउण वाले समें दे विच इसे तरह दे जो शहीदी दिवस है या उन्हां दे कोई भी अब जन्म उत्सव है गया वो इसे तरह मनाए जाण कि साडी आने वाली पीढ़ी उन्हां महा योधियां नूं याद रखे और इसे तरह सन्मान दिंदी रही। सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा सारे आए हुए पतवंते सज्जणां दा।